हेलो दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और वेलकम है। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आज कुछ मैं खास आप लोगों से बात करने वाला हूं, शायद आपको पता नहीं है। दोस्तों, सिर्फ आकांक्षा दुबे के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, आकांक्षा दुबे एक ऐसी अभिनेत्री थी दोस्तों, जो कि उसका जब कोई वीडियो, शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो आता था तो मिलियन मिलियन व्यू जाते थे और क्रैश हो जा करते थे। दोस्तों, एक इसमें नया मोड़ उभर के आया है। जो भी वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में रहने वाली है, जिनका नाम है चंदा पांडे। जी हाँ, चंदा पांडे अभिनेत्री। उन्होंने खुल के मीडिया के सामने बोला है कि जितने भी कलाकार हैं, जब वो फेमस हो जाते हैं, बड़े बड़े मुकाम पहुँच जाते हैं, तो सारे चोर और चमड़ी चोर बन जाते हैं। जी हाँ, चंदा पांडे ने खुल के बोला है और बोलती हैं, मैं किसी डरने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं डरती किसी नहीं, अपना कमाई खाती हूँ। और बोलती, मैं खुद स्मोकी करती हूँ, और कौन दूध का पिया हुआ इस इंडस्ट्री में जो स्मोकी नहीं करता, शराब नहीं पीता हो। तो दोस्तों, वो खुद बोलती हैं कि सारे के सारे चोर हैं, सारे के सारे चमड़ी चोर हैं, कोई इंडस्ट्री में कोई दूध का पिया नहीं हुआ है। और आज ऐसा बोल रहे हैं कि आकांक्षा दुबे ऐसी थी, आकांक्षा दुबे ऐसी थी। तो दोस्तों, उसका कहना है कि समर सिंह को कौन जाना था। उसका चंदा पांडे जी हैं, उनका कहना है कि आज के 4 साल 10 साल पहले समर सिंह को कौन जानता था। इतना समर सिंह फेमस नहीं हुआ था, लेकिन आज इतना फेमस क्यों हुआ, इसमें दोस्तों राज है क्या है कि आकांक्षा पांडे का है। जी हाँ, अभिनेत्री आकांक्षा पांडे ने उनके साथ बहुत सारे वीडियो बनाए, रील बनाए। और आप, उनका कहना है, आप उनका वीडियो उठा कर देखें, चाहे शॉर्ट वीडियो हो चाहे लॉन्ग वीडियो हो, देखें मिलियन मिलियन व्यूज गए हैं। और पहले समर सिंह साहब मिलियन व्यूज क्यों नहीं गए और आज क्यों जा रहा है। तो आकांक्षा दुबे ने उनका बहुत सपोर्ट किया और आकांक्षा दुबे उन्हें फंसा कर रखा और बहुत सारे उन्हें काम किया। और उनका कहना है कि 3 साल से आकांक्षा पांडे समर सिंह के साथ थी, 3 साल से आकांक्षा पांडे समर साथ थी। और आकांक्षा पांडे के आप न्यूज़ पर जाके, उस पर उनके चैनल जाके देखें कितने वीडियो बने हैं 3 साल के अंदर, और उस वीडियो पे जितने भी व्यूज आए हैं, उस वीडियो पर जितने व्यूज आए हैं, और उसका जो बेनिफिट है, जो यूट्यूब से पैसा आता है, उसका आधा पैसा समर सिंह ले और आधा पैसा आकांक्षा पांडे मिले, फिर पता लगेगा कि करोड़ों में कितना, करोड़ों रुपया है कि नहीं। और आज बहुत साले बोल रहे हैं कि आकांक्षा पांडे ऐसी बोलती थी, और जो बोलते हैं। और उनका कहना है कि जी हाँ, जो चंदा अभिनेत्री हैं और उनका नाम चंदा पांडे, उन्होंने मीडिया से ये बोला है कि जो कहते हैं ये हमारा जो इंडस्ट्री है, जो हमारा भोजपुरी परिवार है, ये ऐसा है वैसा है, हम छोटे कलाकार की इज्जत करते हैं, छोटे कलाकार मान सम्मान करते हैं, तो चंदा पांडे जी बोली हैं ये झूठ है, कोई छोटे कलाकार को इज्जत नहीं करता है, सब अपने में महारथी होते हैं, और अगर करते हैं तो सारे चोर और चमड़ी चोर हैं, सारे चमड़ी से प्यार करते हैं, उसके बाद किसी को जगह देते हैं। तो उन्होंने खुल के बोला है कि कोई इसमें इंडस्ट्री परिवार नहीं है, और बड़े बड़े इसमें कोई अभिनेता है, कोई नेता बन गया है, कोई सांसद बन गया है, क्यों सामने नहीं आ रहा। अगर हमारा परिवार, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई परिवार का एक सदस्य चला गया, तो सारे जो कोई सांसद है, कोई अभिनेता है, कोई नेता है, कोई बड़े मकान पर है, सारे उसके क्या नाम है, बेगुनाही साबित करने के लिए और उसको सजा दिलाने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, उसका आरोप है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सारे शायद चोर हैं और शायद चमड़ी चोर हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? तो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और उसे बताना ये बात सही है या गलत। दोस्तों, मुझे भी पता है कि इस लाइन में कोई सही आदमी इस लाइन में नहीं घुसा है। जितने भी लोग घुसे हैं सब ऐसे ही घुसे हैं, सब नाम और फेमस पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। और आपके सामने देखो क्या हो रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई मर्डर किसी को जा रहा है। तो जब किसी को आगे बढ़ते कोई नहीं देखता तो उसका मर्डर या सुसाइड करवा देता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है, कल नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।